नमस्कार, न्यूज 18 में आपका स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद है सतना शहर के मुख्य बाजार फूलचंद चौक में। यहाँ पर हम आपको सतना की खास चीज़ों के बारे में बताना चाहेंगे। यहाँ पर फूलचंद भजिया के बारे में बताना चाहेंगे। भजिया की शॉप है और यहाँ की भजिया इतनी फेमस है कि लोग अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं यहाँ पर भजिया के लिए। ये भजिया के संचालक भी यहाँ पर मौजूद हैं और काफ़ी लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर भजिया खाने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग भजिया के शौकीन जो होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। आइए हम भजिया के संचालक जो हैं यहाँ पर हम उनसे बात करते हैं कि कितनी पुरानी ये दुकान है और सतना में कब से ये दुकान संचालित है। जी भैया, आपका नाम? भाई मेरा नाम शिव कुमार गुप्ता। भैया कब से ये दुकान संचालित है? भैया ये दुकान हमारे दादाजी के समय की है, 70 साल करीब दुकान को हो गए। चलो, भजिया के किस तरीके से नाम फेमस है यहाँ पर? भजिया का तो ये सब दादाजी लोगों ने ही करके गए, अब उनको हम चला रहे आगे। कितना यहाँ पर लोग कितने देर तक इंतजार करते हैं बारी का, अपनी बारी का? तो मतलब खाने शौकीन है तो वो तो अपने इंतजार में सामान लेते ही हैं। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं आपके पास? हमारे पास तो चारों तरफ के लोग आते हैं, जहाँ दूर दूर से भी है। मतलब तरीके से भीड़ उमड़ती है लोगों की, क्या कभी कभी परेशानी भी होती है? परेशानी को मिलता है, बस थोड़ा सा यही है कि आगे पीछे हो जाता है, बस लेकिन मिलता सबको है। मतलब आप क्या क्या यहाँ पे बना लेते हैं आप? अपने यहाँ भजिया है, आलू बंडा है, पापड़ है, खिचड़ा है, जो उनके हाथ का बहुत ज़्यादा ही फेमस है वो खिचड़ा है। आप देख सकते हैं ये खिचड़ा है, खिचड़े की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये बना रहे हैं भजिया और आलू बंडा मिक्स करके और पापड़ मिक्स करके खिचड़ा बनाते हैं और बेहद ही लोग यहाँ पर उत्साहित होते हैं। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। कुछ यहाँ पर लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये भजिया खा रहे हैं, इनसे हम पूछते हैं। जी आप कब से यहाँ पर आ रहे हैं, क्या रहता है भजिया का स्वाद क्या है? बहुत बेहतरीन स्वाद रहता है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। करीबन 8-10 साल से मैं कंटिन्यू हफ्ते में 2-3 दिन आता हूँ। कितनी पुरानी दुकान है ये? बहुत पुरानी दुकान, इनके पिताजी के ज़माने की है, जब शायद हम लोग पैदा भी नहीं हुए तो उस समय से चल रही है। शौकीन है आप लोग भजिया खाने, मतलब क्या क्वालिटी अच्छी रहती है, इसलिए शहर के बहुत सारी जगहों को छोड़ के यहाँ पे आते हैं। मतलब शहर की फेमस दुकान है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी फेमस दुकान। किस नाम से जानी जाती है दुकान? ये फूलचंद भजिया वाले के नाम से जानी जाती है, उनके नाम से चौराहा भी मशहूर है। अच्छा। जी ये फूलचंद भजिया के नाम से दुकान है और इनके नाम से चौराहे का भी नाम पड़ा हुआ है। तो जिस तरीके से ये भजिये की दुकान है आप देख सकते हैं, ये भजिये निकल रही है, उनको दिखाना चाहेंगे ये तस्वीरें। देखिए किस तरीके से भजिया निकल रही हैं और आप देख सकते हैं इन भजियों की तस्वीरें और आपके सामने हैं। और यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आते हैं और ये तीसरी पीढ़ी की दुकान है और ये भजिये के संचालक हैं। देख सकते हैं कितना व्यस्त रहते हैं और इनको लगातार इनके पास लोगों का हुजूम लगा रहता है और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं और भजिये खाते नज़र आ रहे हैं। देख रहे हैं ये भजिये की दुकान, जो भजिये की तस्वीरें देखकर आपके मुँह में भी पानी आ जाएगा। ये देखिए भजिये की ये तस्वीरें जो आपके मुँह में पानी ला देगी, ये भजिये की ये तस्वीरें हैं। तो किस तरीके से ये भजिये की दुकान यहाँ पर संचालित है, कितने वर्ष पुरानी है ये आपने जाना और सतना आप आए हो तो भजिया ना खाएं तो फूलचंद की भजिया आपके मुंह में पानी ला देगी। और ये भजिये की ये दुकान है, देख सकते हैं। तो देखिए ये हमने बताया किस तरीके से यहाँ पर लोग आते हैं, भीड़ उमड़ती है। करीब 70 वर्ष पुरानी ये शॉप है, भजिये की शॉप है, सतना शहर की ये फेमस दुकान मानी जाती है और ये फूलचंद चौराहा इन्हीं के नाम से जाना जाता है। तो ये तस्वीरें आपको हमने दिखाई और इसकी पूरी जानकारी दी है जिस तरीके से ये भजिये की दुकान फेमस है। तो ऐसे ही हम आपको और भी आगे खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। सतना से न्यूज 18 के लिए प्रदीप कश्यप।